ये सभी मेरे दोस्त विजिट करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जोड़ा जोड़ा मतलब वजन नहीं बोल। वो इतनी रोटी कैसे खा रहा? अच्छा यार आप तो ये हमारा गेट है। ये गेट आ गुड है असल आए। ये गेट है गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज आया हूँ पुख्तूनों के पास। ये मेरे दोस्त हैं और हकीकत है मैं बड़ा इनको लाइक करता हूँ। इनकी रवायात और ये एक मजबूत असाब के होते हैं और ये मुत्तहिद होते हैं और जो है ईमानदार होते हैं, नमाजी परहेज़ सारा कुछ, इनमें बड़ी खसूसियात होती हैं। और सही क्या हाल है? ठीक हो यार? को पछतो मछतो सुना यार। साल साल दा क्या हाल है? संगे नूर नवी जड़ी नवी जड़ी नाश्ता शीशे गुआड़े। अच्छा इनकी जो रवायत होती है, एक तो ये छप्पर और ये पुराने मकानों के अंदर, कच्चे मकानों के अंदर रहना इनकी हमेशा से रवायत होती है। और यहाँ पे बैठते जब इनका इकट्ठ होता है ना, ये जब बैठते हैं तो ये हजूम की सूरत में बैठते हैं। ये इकट्ठे होते हैं 10-10, 20-20 और 50-50। इनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा होते हैं। अभी भी ये तो अभी बिल्कुल थोड़े से इकट्ठे हुए खड़े हैं, तो इनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा होते हैं। और ये इनके बुजुर्ग जो होते हैं इनमें यहाँ पे तादाद होता है। बुजुर्ग इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। खान साहब ऐसे है ना बुजुर्ग आपके? ये सलाजीत खाते हैं इस वजह से मजबूत रहते हैं, ये इसके ये ताकतवर भी रहते हैं। असल है क्या हाल है? आपका नाम क्या है? जरीफ खान। जरीफ खान गाजी खान। गाजी खान आपका तो मैं इसको कमेंट भी आया था कल। आपका नाम क्या है? इब्राहिम खान। आपका नाम क्या है? उस्मान। आपका? अजीज खान। आपका भाई? असलम खान। और आपका? आपने तो बता दिया जी। आपका नाम क्या है? अच्छा मुझे ये बड़ा लाइक अच्छे लगते हैं क्योंकि इत्तेहाद इनके आपस में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा खान साहब एक बात ये बताएं, ये छप्पर के अंदर रहना आपकी रवायत है, क्या वजह है? ठंडा बहुत होता है। ये कच्चे मकानों के अंदर रहना ठीक होता है? असर ये बात भी है, जहाँ जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं ना वो दिल के मुखलिस होते हैं, ये भी हकीकत है। एक ये पुरानी रवायत है, ये पुराना दौर खत्म हो गया जो ये रवायती चीजें थी। क्या है ये आपको क्या हुआ है? ओए क्या हुआ? ये क्यों क्यों लड़ता है? पुराने जमाने वाला। ये क्या कहता है? ये पुराने जमाने वाला है यार। उसको आपने क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसको? उसको क्यों नहीं? उम्र 20 साल है। नहीं यार किसका? नहीं, 20 साल। इसका 8-9 साल उम्र है। एक मिनट आपकी आंखें यार बिली आंखें हैं थोड़ी बिली। ये बेचारा लेला भी मार है, लेले की आंखें भी खराब हुई गणी है भाई। चलो इसका कोई इलाज करते हैं। खानो एक आपकी एक रवायती सोबत होती है जी, वो बनाते रहते हैं। एक बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि ये जब दावत करते हैं तो बकरों के बकरे दावत करते हैं, पूरा पूरा बकरा जीबा कर देते खड़े। ये इनकी रवायत है, मेहमान आ जाए ना, ये मेहमान निवास बहुत ज्यादा है। एक तो एक बनाते हैं। हाँ जी नमकीन बनाते हैं उसको, ऐसे चमड़ा नहीं लाते, ऐसे पका देते। वो सूजी बोलते हैं उसको, उसका बरकत होते हैं। वाह भाई उसके भी इकट्ठे बैठ के लाते हैं। अच्छा आपकी यार आपके बच्चे जो होते हैं इतने ज्यादा हमारे दोस्त बैठे हैं ना मंगल खान, वो तो है ये जो है। ओ, सही है। जन्नत के बारे में मौलवी साहब बता रहे थे ना, तो मौलवी साहब बता रहे थे जन्नत की खूबियां के जन्नत जैसे हो गए। उन्होंने कहा अभी पठान भी होंगे, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल पठान भी होंगे। तो उसने कहा जो जहाँ दरख्त नहीं छोड़ते तो वहाँ कैसे छोड़ेंगे? अब आप ये वाले दरख्त इतने दरख्त ये तो नहीं काटे आप लोगों ने? ये हमारा जो माल है, मतलब आप लोगों को नुकसान कर रहे हैं। लोगों को नुकसान करना होता है, ये तो हमने लेते हैं। कारोबार है, कारोबार है। ठीक है दिहाड़ी वाले हुआ 600 रुपए ना उत्तर तीन ना थलो तीन, ये हुआ 600 देंदे आजकल, वो 600 ही पूरा नहीं देंदे। हाँ ये तो गलत सच्ची है, गेहूँ तो पता नहीं यानी गल है हकीकत है। आपकी आंखें किस तरह, आपके बाल कलर क्यों हैं? ये बाल कलर क्यों हैं? इसको क्या बोलते हैं यार? थोड़ा पुख्तूर राग ले यार। ये हम खान साहबान के रवायती घर में बहुत माशाल्लाह। ये हरनी है, 20,000 का
अच्छा तंदूर जो है, एक तो ये बिल्कुल कच्चे और बड़े ही अच्छी चीजें लग रही है ना। अच्छा ये तंदूर इनका जो होता है ये जमीन के अंदर क्यों होता है, बाकी के तो ऊंचे होते हैं। मोटी रोटी बड़ी पतीरा, वो जो बहुत मोटी होती है। अच्छा ये बनी हुई है, इसका तो यार इसका तो वजन ही बहुत, वो इतनी रोटी कैसे। अच्छा नहीं ये एक एक बंदा ये कितना खाता है, 20 बंदे खा रहे। अच्छी होती मीठी हो तो फिर ये भी सला जीत है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो इसकी इसकी ये यार इतनी रोटी मजे की बनी है देखे, इतनी मोटी रोटी। अच्छा ये इस तंदूर कैसे बनती है, आधे घंटे नहीं पतली रोटी आप पतली भी पकाते हैं, पतली पकाते नहीं मोटी, चाय के साथ खाते हैं किसी चीज़ के साथ, चटनी है मोटी रोटी। वाह भैया मुझे भी खाने की अच्छी रोटी है, बनी हुई तो बहुत मजे की टेस्टी बनी है। ये तो सुराख है इसके अंदर। नहीं बकरिया में दिखाते छोटे फल जो होते हैं फिर गर्मी लगती है। अच्छा ये मुझे लगा माशाल्लाह यार के ये कच्चे मकान है और सच्चे लोग हैं ऐसे है ना, ये झुकड़िया वाला है। अच्छा इसको बोलते हैं उजा, उजा इसको क्या बोलते हैं, बेड बेड। अच्छा ये तो उजा हो गया, और इसको गाय ग्वा बोलते हैं, भैंस को बोलते हैं मेघ। ये जो छप्पर होता है आप इस तरह बनाते हैं जिस तरह वो बर्फबारी वाले इलाके में नहीं होते, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। इसकी इसकी क्या वजह, इसकी क्या वजह, पानी के लिए, बारिश भी भाई मतलब खराब ना हो अंदर ना बारिश, ये सारे इसी तरह होते हैं ना। और ये डिजाइन बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये डिजाइन आपका ये भी रवायती डिजाइन है, अक्सर आपके डिजाइन ये होते हैं ना। अच्छा ये घास काटने की मशीन है, हाँ मशीन को आपने जुगाड़ लगाया हुआ है, हमने ये बिजली भी रखा हुआ है। अच्छा ये जमीन में सरकारी है, साथ भी बिजली भी है और साथ ये भी लगा हुआ है, उसके साथ आप हाथ के साथ भी, जब बिजली ना हो तो ख्याल से हाथ ना आ जाए यार, ख्याल करो ये बिजली वाला खतरनाक बात होती है, इसका थोड़ा एहतियात करनी होती है यार। अच्छा ये कच्चे मकान इनके, और ये बड़ा ये नलके का भी दीवारें कच्ची। वाह भाई वाह क्या बात है आप लोगों की यार, आप तो ये हमारा गेट है, ये गेट है, आ गुड है असल आ ये गेट है, गुड हो गया ये गेट है, ये वाला गेट, इसको उठाएं और इधर आ जाए। ये सभी मेरे दोस्त विजिट करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जोड़ा जोड़ा मतलब दुश्मन को हराना है, गुड हो गया कान। दुश्मन है कौन सा कान, जो कमिट नहीं देते, जो लाइक नहीं करते सब्सक्राइब नहीं करते वो दुश्मन है। अच्छा एक बात तो ये है कान, बस ये शरारती बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे है क्या नहीं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वही बच्चे बहुत शरारती होते हैं बस थोड़े। ये जो छप्पर है 7-8 बंदे ऐसे कब जाए थे ऊपर करके वहाँ पे भी रख सकते हैं। अच्छा ये छप्पर जो है इसको उठा के रखा जा सकता है, ये चार आज यही पे आया खड़ा है। अच्छा ये ऐसे उठा के फिर वहाँ पे। अच्छा ये भी इस पर। अच्छा एक बात मैंने सुना है कि आप जो है मेहमान नवाज बहुत ज्यादा हो, आपके यहाँ अगर कोई बंदा मतलब कोई कत्ल भी हो जाए ना तो सुलह जो करनी होती तो वो फिर माफ फौरन घर आ जाए तो माफ कर देते हो, ऐसे है ना। ये इनकी ये बड़ी खसूसियत है कि एक तो मेहमान नवाज होते हैं, अगर घर में अगर कोई बंदा चल के आ जाए तो ये कत्ल के भी वो केस जो होते हैं वो कत्ल को भी माफ कर देते हैं, और जब दुश्मनियां हो खान तो वो भी बड़ी बड़ी होती है, जब लड़ाई हो जब दुश्मनी हो तो फिर डट के, और जब मोहब्बत हो तो फिर भी डट के, ऐसे ही है ये इसका नाम क्या। वो भाग गया यार, उसको आपने भगा दिया आप लोगों ने। अच्छा ये आ गए, ये हमारा घास काट के आ गए, ऐसा आ रही है कह रहा है इंजन खत्म है इसका। हाँ बच्चों घास आप खुद लेके आए,
वाह भाई वाह, छोटे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। वाह भाई वाह, चलो जी चले जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।